हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा। प्रभु आज के नए सवेरे के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के उपकारों को और परमेश्वर की भलाइयों को याद करें। परमेश्वर ने हमें उन परिस्थिति में नहीं पड़ने दिया कि हम परेशान में रहे, तकलीफों में रहे, मुसीबतों में रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उन परेशानियों से छुड़ाकर एक अच्छी जगह पर रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो आज के दिन की शुरुआत करने से पहले अपने आप को, अपने कार्य धंधे को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के उन बलवंत हाथों के नीचे सुरक्षित है, परमेश्वर के उन पंखों के तले सुरक्षित है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी बात की चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारे चिंता का ख्याल है। अपने सुख का मूल यहोवा को जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी चिंता अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल, वही तेरे बोझ को हल्का करेगा, ऐसा वचन में लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए चिंता ना करें, परमेश्वर आपके सारे दुखों को, सारे परेशानियों को दूर कर देंगे, हर एक दुखों को, हर एक मुसीबतों को परमेश्वर दूर कर देंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए और सबसे पहले उसके धर्म और राज की खोज करें। मेरे प्रियो उसके धर्म और राज की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं आपके पीछे पीछे हो लेंगी, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आपके सारे बोझ हल्के हो जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। दाऊद कहता है हे मेरे मन तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, वही तेरे मुख का चमक है, वही तेरी आशा और तेरा भरोसा है। मेरे प्रियो हो सकता है आपका मन व्याकुल होगा, हो सकता है आप किसी चिंता में होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के ऊपर मन लगाइए। दाऊद कहता मैं चुपचाप होकर परमेश्वर में मन लगाए हूं, परमेश्वर में आशा लगाए हूं, मैं अपने मन की बातें, अपने शोक की बातें परमेश्वर को खोलकर बता देता हूं। मेरे प्रियो आज आइए हम सभी अपने मन की बातें, अपने शोक की बातें, अपने चिंताओं की बातें परमेश्वर के सामने रख दीजिए, परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को, सारे मुसीबतों को, हर एक दुखों को दूर करेगा। परमेश्वर के ऊपर मन लगाइए, परमेश्वर आपके चिंताओं को दूर कर देगा, परमेश्वर आपके संग है, क्योंकि वचन कहता है संकट के दिन यहोवा को पुकार वो तुझे सुनकर तुझे उत्तर देगा, ऐसा वचन में लिखा है। संकट में यहोवा तेरी सुन लेगा ऐसा लिखा है, और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे 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 स्थान पर नियुक्त करेगा। मेरे प्रियो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और विश्वास कीजिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें, उसके ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर भरोसा रखें। आज विश्वास की प्रार्थना कीजिए, आज विश्वास की प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। हो सकता है आप किसी दुख में होंगे, हो सकता है आपके मन व्याकुल होगा, हो सकता है आप किसी चिंता में होंगे, हो सकता है आपका कार्य रुका हुआ होगा, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया होगा, हो सकता है आप किसी कर्जे में होंगे, लेकिन आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, वो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, हर एक दुख खत्म हो जाएंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। वचन कहता है प्रभु का वायदा है कि मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। हालेलुया रबा संदा रबा ला रबा बाबा रिशकना ला रथी ना ला रदा रदा ला ला ओ रिखना ला रथी ना ला रबा बाबा रिशकना ला रथी। मेरे खुदा तेरे पास आते, तेरे नजदीक में आते हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे मन की बातें लेकर तेरे पास आते हैं, हमारी चिंताओं की बातें तेरे पास लेकर आते हैं खुदा। पिता परमेश्वर सबसे पहले इस स्थान को पवित्र कर दे प्रभु,
सबसे पहले पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, ना बल ना बुद्धि से बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदा। पिता परमेश्वर इसी के साथ पिता परमेश्वर जिस स्थान से प्रार्थना करे तेरे बेटा बेटी उन स्थानों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, उन्हें अभिषेक से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपनी महिमा के ज्ञान से उस जगह को भर दीजिए और वहां पर पवित्र आत्मा का वसेरा होने पाए, पवित्र आत्मा की वर्षा होने पाए और चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम से होने पाए। पिता परमेश्वर उन जगहों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ खुदा। पिता परमेश्वर चाहे किसी भी जगह में है प्रभु, किसी भी स्थान में बैठे प्रभु, उस स्थान को पवित्र आत्मा से भर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं खुदा। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जो सचमुच में पिता परमेश्वर किसी बात में चिंता में है, किसी मुसीबत में है, किसी टेंशन तनाव में है, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। हो सकता है उनका कार्य रुका हुआ होगा पिता परमेश्वर, उनके कार्य में कोई बाधा है परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका कार्य बाधा यीशु के नाम से खत्म हो जाए, वो बाधाएं खत्म हो जाए प्रभु। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो चिंता में फंसे हुए परमेश्वर, किसी दुख और परेशानियों में डूबे हुए परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उन्हें छुड़ा ले प्रभु, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए प्रभु, उनके हर एक दुखों को आप दूर कीजिए परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए, उन समाजों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो मूर्ति पूजा में दबे हुए हैं परमेश्वर, उन अंधकार की शक्तियों में दबे हुए हैं परमेश्वर, उन शैतान की गुलामी में दबे हुए हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुड़ा ले प्रभु, उन्हें छुड़ा ले परमेश्वर, उन्हें छुड़ा ले परमेश्वर, उस नर्क की आग से बचा ले जहां पर रोना और दांतों का पीसना होता है, उस कुंड से बचा ले खुदा प्रभु। यीशु अपने मुंह से तेरा अंगीकार करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, हर एक जीव अंगीकार करने वाले बन जाए प्रभु, तू छुड़ा ले प्रभु, तेरा पवित्र समाज कहलाने पाए से प्रार्थना करना चाहते प्रभु, यीशु के नाम से लोगों को बचा ले प्रभु और आने वाले दिनों में वो तुझे जानने वाले बन जाए, तेरे नाम का घुटना टेकने वाले बन जाए खुदा, यीशु तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं। पिता परमेश्वर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु, पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, उनके हर एक दुखों को दूर कीजिए, उनकी हर एक समस्याओं को, हर एक कर्जे को यीशु मसीह के नाम से खत्म कीजिए परमेश्वर पिता। उनके लिए तू जॉब का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए खुदा पिता परमेश्वर, उनके जॉब के लिए प्रबंध और व्यवस्था कीजिए परमेश्वर, जिनका एग्जाम है उनका एग्जाम में तू सिलेक्ट कीजिए प्रभु, जिनका इंटरव्यू है उनमें तू सिलेक्ट कीजिए परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए तू अच्छी और गवर्नमेंट की जॉब का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए खुदा, यीशु के नाम से प्रबंध और व्यवस्था कीजिए, उनके हर एक दुख खत्म हो जाए प्रभु, उनके श्राप के बंधन उनके ऊपर से हर प्रकार के बंधन खत्म हो जाए प्रभु, ऐसे प्रार्थना करना चाहता प्रभु। यहोवा ईरे तू उनके लिए प्रबंध और व्यवस्था कीजिए पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और उन जनवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो बुरी संगति में पड़े हैं प्रभु, जो बुरी आदतों में पड़े हैं परमेश्वर, उनको बचा ले प्रभु पिता परमेश्वर, उनको बचा ले प्रभु, उन अंधकार की शक्तियों से बचा ले, उन शैतान की शक्तियों से बचा ले, उन गुलामी अवस्था से छुड़ा ले परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप दे, तो छू ले परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर, तेरी और फिरने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, तेरी और फिरे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, तो छू ले प्रभु उन जवानों के जीवन को बदल दे, उन लोगों के जीवन को बदल दे परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप दे तो पिता परमेश्वर। उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो कई सालों से कई दिनों से अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे परमेश्वर पिता, उनके अकेलेपन को दूर कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उस तनाव से निकालिए परमेश्वर, उस बेचैनी से निकालिए परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर कई सालों से कई दिनों से ढूंढ रहे लेकिन नहीं मिल पा रहे, लेकिन पिता परमेश्वर जोड़ा तो तेरी ओर से है प्रभु, जोड़ा तो तेरी ओर से परमेश्वर, तू उनके लिए प्रबंध और व्यवस्था कीजिए प्रभु, एक भली पत्नी और भला पति मिलने पाए पिता परमेश्वर, भली पत्नी और भला पति तेरी ओर से है परमेश्वर, जोड़ा तो तेरी ओर से प्रभु, इसलिए परमेश्वर कई ऐसे भाई बहन है प्रभु जिनकी शादी होते हुए रुक गई प्रभु, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनके लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए और आने वाले दिनों में वो वैवाहिक जीवन बिताने वाले बन जाए खुदा, यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु,
उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, परमेश्वर जिनके बीच में दरारें पैदा हो गई, जिनमें बुराइयां पैदा हो गई, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो लड़ाई झगड़े हर प्रकार की दरारें यीशु के नाम से खत्म हो जाए और पति पत्नी मिलने पाए परमेश्वर, परिवार जुड़ने पाए प्रभु, आपकी महिमा होने पाए, आपके नाम की स्तुति होने पाए, आपके नाम की बड़ाई होने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पति पत्नी मिलने पाएंगे, आपकी महिमा होने पाएगी और पिता परमेश्वर आपके जय जयकार के साथ वो परिवारों में आपकी महिमा होने पाएगी यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों को मिलाइए प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर हर प्रकार की दरारें खत्म हो जाए, हर प्रकार की बुराइयां लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, उनके बीच में प्रेम की आत्मा दीजिए परमेश्वर, संयम की आत्मा दीजिए परमेश्वर, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो आपस में प्रेम करने वाले बन जाए और पिता परमेश्वर आनंद के साथ प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन जाए, प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु, उनके दुखों को दूर कीजिए परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए परमेश्वर, पिता परमेश्वर तेरा वायदा है मैं तेरे अनादर के बदले दूना भाग दूंगा, तेरे बांझपन को मैं खत्म करूंगा, तेरे नाम धराई को दूर करूंगा, तेरा वायदा है प्रभु उनके नाम धराई को दूर कर, उनके आंसुओं को पोंछ दे, उनके हर एक दुखों को दूर कर दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके दुख दूर हो जाए, हट जाए, मिट जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, उनके गर्भ को खोल दीजिए प्रभु, आने वाले दिनों में उनके संतान उत्पन्न होने पाए प्रभु, संतान उत्पन्न होने पाए और उन वंशों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए से प्रार्थना करना चाहते प्रभु, उनके पांचपन को खत्म कीजिए, उनके आंखों में से आंसू को पोंछ दीजिए परमेश्वर, उनका दुख को मिटा दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता खुदा तेरा धन्यवाद खुदा, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो बीमारी में पड़े हुए हैं परमेश्वर, जिनका पिता परमेश्वर धुंधलापन है पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर पैरालिसिस है, जिनको पिता परमेश्वर टीबी है, जिनको पिता परमेश्वर कैंसर है पिता परमेश्वर, ऐसी बीमारी खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, हर प्रकार के दुख खत्म हो जाए, शैतान शैतान की शक्ति खत्म हो जाए, यीशु के नाम में बचा ले, उठाकर खड़ा कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से बेचैनी खत्म हो जाए, हर प्रकार की तकलीफें खत्म हो जाए, जितने भी बीमार में पड़े हैं आज चंगे होने पाए, आपकी महिमा होने पाए, कमजोरी पिता परमेश्वर दूर होने पाए यीशु के नाम से, हालेलुया रब शंदा रब ला रब बरिश कन ला रब, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, छुटकारा दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, ओ पिता परमेश्वर ने उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु, ओ चलने फिरने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अभिषेक से भर दे, उनके घुटनों में बल आ जाए, उनके शरीर में बल आ जाए, ओ पिता परमेश्वर शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने पाए यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर आपके मुख का प्रकाश उनके ऊपर चमकने पाए यीशु के नाम से, रब शंदा रब ला रब, यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते खुदा, पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जिनको प्रॉपर्टी लेना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनके लिए प्रबंध व्यवस्था कीजिए, जिनको घर बनाना है, जिनको लोन लेना है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रबंध व्यवस्था कीजिए, प्रबंध व्यवस्था कीजिए, प्रबंध व्यवस्था कीजिए, और आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए, आपके नाम की स्तुति होने पाए परमेश्वर, उनके लिए तो प्रबंध व्यवस्था कीजिए प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो कार्य तो करते हैं, धंधे तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर कई प्रकार के पिता परमेश्वर उनके पैसा कौड़ी उनके हाथ में नहीं रहती है पिता परमेश्वर, पता नहीं कहां चल जाते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, हर प्रकार के जो पिता परमेश्वर आशीषों को रोकने वाली शैतान की शक्ति खत्म हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, उनके कार्य धंधों में, उनके बिजनेस में सफल दीजिए, सफलताएं दीजिए, सफलताएं दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, उन बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु, जो पति के द्वारा सताए जा रहे परमेश्वर, अपने ससुराल वालों के द्वारा सताए जा रहे प्रभु, कई ऐसे भाई बहन जो अपने मम्मी पापा के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा सताए जा रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्ति मिट जाए, शैतान शैतान की शक्ति मिट जाए, हर एक दुख खत्म हो जाए यीशु के नाम से, हालेलुया पिता परमेश्वर, जो मुंबई महाराष्ट्र से पिता परमेश्वर जो बहन है प्रभु, उनको अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ्य से भर परमेश्वर, तेरे वचन को लेकर खड़े रहने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके परिवार वालों के जीवन को बदल दे, उनके ससुराल वालों के जीवन को बदल दे, उसके पति के जीवन को बदल दे यीशु के नाम से परमेश्वर, जो मुंबई महाराष्ट्र से एक और बहन है प्रभु, उनको भी अभिषेक से भर परमेश्वर, उसके पति के हर बेकार चाल चलन को खत्म कीजिए परमेश्वर, परिवर्तन कीजिए, उनके जीवन को परिवर्तन कीजिए यीशु के नाम से, हालेलुया, जो पुणे से है भाई बहन, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते, उस बेटे के लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहते प्रभु, कई दिनों से, कई सालों से प्रभु केस चल रहा है प्रभु, लेकिन इसी साल में, इसी
इसी महीने में परमेश्वर उनके केस रफा दफा होने पाए, अंधकार की शक्ति मिटने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, उनकी मम्मी की चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु यीशु के नाम में, उनकी मम्मी की चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु, उन्हें तो छुड़ाएगा परमेश्वर, उनके हर एक दुखों को आप दूर करोगे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते जितने भी पुणे से भाई बहन, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता प्रभु, अभिषेक से भर, अपने सामर्थ्य से भर परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों का, हर आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए यीशु मसीह के नाम से। तेरे ही आत्मा पे सौंप देता परमेश्वर, जितने भी नासिक से, जितने भी नागपुर से प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता प्रभु, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, अपनी वो अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, उनके हर एक दुख खत्म हो जाए परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो गोवा से है, तमिलनाडु से, हैदराबाद से परमेश्वर, और पिता परमेश्वर असम से हैं, और पिता परमेश्वर अरुणाचल प्रदेश से है परमेश्वर पिता, हिमाचल प्रदेश से है पिता परमेश्वर, शिमला से है परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, उनके हर दुख खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति मिट जाए यीशु के नाम से। जो सूरत से है, बड़ोदरा से है पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, उनके हर जरूरतों को, हर आवश्यकताओं को पूरा कीजिए यीशु के नाम से, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए खुदा यीशु मसीह के नाम से। तेरे ही हाथों में सौंप देते परमेश्वर, जितने भी अजमेर से प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उस भाई भाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसकी वाइफ मिल जाए प्रभु किसी हालत में पिता परमेश्वर, उसकी वाइफ के जीवन को बदल दे, अंधकार की शक्ति मिट जाए, शैतान शैतान की शक्ति मिट जाए यीशु के नाम से। उन बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोन लेना चाहती है पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से उसके कार्य धंधे में सफलताएं दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। उस बहन के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, जो फाइल खो गई परमेश्वर के नाम से मिलने पाए, मिलने पाए, मिलने पाए, आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, जितने भी पिता परमेश्वर पंजाब से हैं पिता परमेश्वर, उनको तू छू ले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, उस बेटी को छूले परमेश्वर, उसके पति के जीवन को बदल दे, अंधकार की शक्ति मिटा दीजिए, अंधकार की शक्ति मिटा दीजिए, अंधकार की शक्ति मिटा दीजिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। तेरे ही हाथों में सौंप देता परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। जो मुंबई से तेरी बेटी प्रभु, उसके पिता परमेश्वर हस्बैंड के जीवन को बदल दे, अंधकार की शक्ति मिट जाए, शैतान शैतान की शक्ति मिट जाए ओ पिता परमेश्वर, छूले यीशु के नाम से। जो बांसवाड़ा से है, वो डोंगरपुर से है, भरतपुर से, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके हर दुख हर मुसीबत है यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। जितने भी उत्तर प्रदेश से, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो लखनऊ से है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। झारखंड से, उत्तराखंड से है पिता परमेश्वर, हरियाणा से है, नैनीताल से है, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, उनकी हर चिंता हर परेशानियाँ यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर संकट यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर से। प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो छत्तीसगढ़ से बहने हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, बेटे को पिता परमेश्वर अच्छा जीवन साथी का प्रबंध व्यवस्था कीजिए, अच्छे जीवन साथी का प्रबंध व्यवस्था कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बच्चों को सिलेक्ट कीजिए परमेश्वर सर्विस के लिए, तो प्रबंध व्यवस्था कीजिए। उस भाई के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो पिता परमेश्वर उसके उसकी वाइफ में दुष्ट आत्मा है प्रभु यीशु के नाम से, उसकी वाइफ में से हर प्रकार के जादू टोना, भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो राहुल कला से बहन है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। जो उड़ीसा से, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, दया कर, दया कर, अपनी सामर्थ्य भर परमेश्वर। जगदलपुर, बीजापुर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जसपुर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अभिषेक से भर परमेश्वर। जितने भी एमपी से हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जबलपुर, साजापुर, विदिशा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, होशंगाबाद से प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। सेंधवा, बड़वानी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर। धार के लिए, झाबुआ के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, उन लोगों को अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, हर दुख हर मिट जाए, अंधकार की शक्ति मिट जाए, शैतान शैतान की शक्ति मिट जाए, हर एक दुख खत्म हो जाए परमेश्वर, छूले प्रभु, दया कीजिए परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर। एक बार फिर से हर एक भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे, हर एक दुख खत्म हो जाए, हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाए, शैतान शैतान की शक्ति खत्म हो जाए, तेरी पवित्रता में आगे बढ़ाए परमेश्वर, विश्वास में बन मजबूत कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर, तेरे बेटा बेटियों के विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर, ओ आत्मिक में आगे बढ़ा परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते प्रभु। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु, इस भारत देश को हर अंधकार की शक्तियों से बचा ले, मूर्ति पूजा से बचा, शैतान शैतान की शक्तियों से बचा ले प्रभु, इस भारत देश को बचा ले प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हमारे किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, हमारे किसान भाइयों का अभिषेक से भर प्रभु, हमारे किसान भाइयों का अभिषेक से भर परमेश्वर, उनकी फसलें सुरक्षित रहे प्रभु। जब तक घर में ना जाए तब तक पिता परमेश्वर, उनकी फसलें सुरक्षित होने पाएगी और प्रभु आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूं, जो कई दिनों से जीवन साथी ढूंढ रहे, उनके लिए जीवन साथी का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। जो जॉब की तलाश में प्रभु, उनके लिए जॉब का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। जिनके पास औलाद
नहीं है परमेश्वर, उनके औलाद उत्पन्न होने पाए, जो पति पत्नी अलग है वो मिलने पाए पिता परमेश्वर, जिसको घर बनाना है उनको तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए, जिनको प्रॉपर्टी लेना है उनके लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए प्रभु, जिनको लोन लेना है उनके लिए प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अवधि नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु हमारा महान है और परमेश्वर को हमारी चिंता का ख्याल है मेरे प्रियो। किसी बात की चिंता ना करें, हमारी चिंता हमारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, अपने मन की बात ने प्रभु के सामने रख दीजिए मेरे प्रियो, आपकी हर एक चिंता हर एक दुख को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया, प्रभु में आप सदा खुश रहें, आनंदित रहें। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। स्वाट और कलिसिया है, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करते हैं और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम आपके लिए हमेशा तैयार रहें और प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया, प्रभु आप सभी को फिर से बहुत आज से आशीष दे, प्रभु में सदा सदा आनंदित रहे, खुश रहे, सबको जय मसीह की।